देखिए आज हम लोग का एक स्टोरी भी है। मॉडल नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, कंपनी से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है थ्योरी से। ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम देखिए, मैं इसका टीवी ऑन कर रहा हूँ, आप लोग देखिए स्क्रीन में क्या हो रहा है। मैं जो भी बोलता हूँ सिंपल मैं बोलता हूँ, एक बार दिमाग में घुसने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो आ रहा है इसका स्क्रीन देखिएगा, टीवी चालू हुआ, मैंने पैनल को वहां से खोल दिया, क्योंकि वहां पर रख के कॉप को उल्टा करके काम करना रिस्की होता है, इसलिए मैं हमेशा पैनल को निकाल के उल्टा करके रखा हूँ, देखिए, ताकि कॉप को बैंड नहीं करना पड़े। ठीक है, अब देखिए अभी आएगा, एक ऐसा आ रहा है पिक्चर, देखिए मैं ये लाइट पे एक बार पकड़ता हूँ, ऊपर का बड़ा लाइट अच्छा से दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर दिखाओ, देखिए बाहर आ रहा है, आ रहा है कैमरा में, दिखता है थोड़ा नीचे हो जाना था, यहाँ पर दिखाओ, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाहर आ रहा है, आप देखिएगा थोड़ा यहाँ पर, देखिए कैसा हो रहा है, देखिए मैं अभी टच कर रहा हूँ कॉप में ना, ये गेट सिग्नल मिसिंग है, गेट सिग्नल मिसिंग है, इसलिए ऐसा होता है। तो आपको जब गेट सिग्नल मिसिंग होगा ना, अब कॉप में जब टच करोगे ना कुछ हलचल होगा, देखिए ये हलचल होगा, तो पहले कैसा दिख रहा था अभी कैसा है, तो इसको फॉल पेंडिंग कैसा करना है कि जैसे कि मैं ये लाइट को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये लाइट को ऑफ कर दिया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अब इसको इसका वोल्टेज देखिए, मैं आपको यहाँ पर देखा रहा हूँ, कोई टेक्नीशियन आपको कोशिश किया था लेकिन मालूम नहीं कहाँ पर वो फेल हो गया, थोड़ा सा स्क्रैच है। आप देखिए मैं इसका इसका देखिए इसका ये पॉइंट जो है, ये BGH है, एक मिनट, ये देखिए इसका BGH है 24 वोल्ट, ये पहले का थोड़ा सा स्क्रैच है, मैंने स्क्रैच किया नहीं, देखिए 24 वोल्ट दिख रहा है। हाँ अब इसका ये BGL है, देखिए -7.9, ये इसका BGL है, इसका BGH है। ठीक है ना, अब यहाँ पर है क्या, यहाँ का एक वोल्टेज है, देखिए ये सारा सारा सिग्नल है, ये सारा सिग्नल है, ठीक है ना, ये सारा सिग्नल है, यहाँ भी सिग्नल है, यहाँ भी ये 3.32 या 3.3 वोल्ट वाला है, ये सिग्नल मिसिंग है। अब इसका मुझे डेटा शीट जो मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है, कोई भी जितना भी मिल रहा है गलत मिल रहा है, तो मैं इसको जो अपना हिसाब करूंगा इसको कि मेरा कौन लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मेरे कौन लाइन में प्रॉब्लम है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं लाइट जला दिया, देखिए इस तरह से आ रहा है, दिखाओ, अब मैं एक प्रोटेक्शन के लिए एक रेजिस्टेंस ले लिया 10K का। ठीक है ना, तो ये देखिए बहुत फाइन कर दिया मैंने इसको, ये फाइन कर दिया ताकि मुझे ज़्यादा छीलने का दरकार नहीं होगा, छीलूंगा मैं वहीं पर जहाँ पर मेरा प्रॉब्लम है। अब देखिए ये सब मैंने स्क्रैच किया नहीं है क्योंकि इसी से मेरा काम बन जाएगा, तो मैंने यहाँ पर मैं देखिए इसको ऐसा ले रहा हूँ, अब मैं इसको ऐसा मैं टच कर रहा हूँ, देखिए हालचाल क्या हो रहा है स्क्रीन में देखिएगा, देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये हो रहा है, ये सिग्नल लाइन्स है। ठीक है ना, ये भी सिग्नल लाइन है, ये भी सिग्नल लाइन है। आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जब टच कर रहा हूँ मेरा पिक्चर कंडीशन सबसे अच्छा आ रहा है, सबसे बेटर है, मैंने जहाँ जहाँ भी टच किया सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पर लगा, देखिए मैं यहाँ इसको पकड़ रहा हूँ, इसको मैंने पकड़ के रखा हूँ। ठीक है ना, अब देखिए मैं इसको यहाँ पर रखा हूँ, देखिए अब स्क्रीन में पिक्चर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा ये लाइन का मिसिंग है, तो इसका जो वोल्टेज है 1 वोल्ट से कम होगा, इसमें 1 वोल्ट से भी कम होगा, तो मेरा यहाँ पर 1 वोल्ट से कम जो है CPV1 है। अब यहाँ पर दिखाओ, तो सबसे लो वोल्टेज का सिग्नल जो है STB तो 0 दिखाएगा, DSO में आता है वो, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ दिखाओ, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो OE1, ये OE1 है, अच्छा से दिखाओ जूम करके, OE1, OE2, ठीक है ना, अब मैं OE2 का वोल्टेज ले रहा हूँ, मीटर दिखाओ,
देखिए इसका ज़्यादा है। अब यहाँ पर आ जाओ, फिर अब मैं वही टू का ले, वही वन का ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर 0.6 0.7 है, सबसे लो है, तो मैं लो वोल्टेज का पहले टारगेट करूँगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर टच करने से मेरा कहाँ पर, जहाँ पर मेरा टच करने से, मैं फिर से लगाता हूँ, देखिए इसमें टच करने से मेरा बेस्ट रिजल्ट आ रहा था पिक्चर में, देखिए बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। तो मैं इसको टारगेट करूँगा, मैं वही वन सबसे लो वोल्टेज है, तो मैं वही वन में टच करूँगा। अब देखिए मैं वही वन को ले रहा हूँ, देखिए मैं वही वन में टच किया, देखिए पूरा पिक्चर ओके है, दिखाओ अच्छा सर। अब यहाँ पर देखो मैंने कहाँ पर टच किया, रेजिस्टेंस कहाँ पर मैंने लगाया, देखो जूम करके देखो, ओ ई वन, ए जो है ओ ई वन, देखो यहाँ पर सामने जूम करो और दिख रहा है, ये जो ओ ई वन में मैंने टच किया, देखिए प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस के साथ में, देखिए मेरा फुल स्क्रीन ओके हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह देखिए मैंने छूट गया, फिर ये जो मैंने फिर से देखिए, तो हमारा ये कन्फर्म हो गया कि मेरा ओ ई वन जो लाइन है उसमें फॉल्ट है। अब मुझे करना क्या है, ओ ई वन से जम्पर वायर लेना है मुझे, ये जम्पर वायर लेना है, ये जम्पर वायर मेरा ये वही वन का फॉल्ट है, वही वन से जम्पर करके ये साइड से मुझे ट्रिपिंग करके यहाँ से ला के मुझे वही वन में शोल्डर कर देना है, क्योंकि मेरा ये फाइनल हो गया। तो फाइनल कैसे किया मैंने, इसको ट्रिगरिंग किया मैंने, जहाँ पर ट्रिगर करने से मेरा बेस्ट रिजल्ट आ रहा था उसी को टारगेट करना है, और उसने लोअर वोल्टेज का सिग्नल जो है उसी से टारगेट करना है। अब बीच में ये प्रोटेक्शन का रेजिस्टेंस रखा ताकि मेरा मिस्टेक होने से भी मेरा कॉप डैमेज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह फॉल्ट फाइंडिंग होता है, रिपेयर होता है, मेरा क्लास में भी होता है। तो मेरा अगला जो क्लास है आपको मालूम है सिलीगुड़ी में, अगला क्लास कब है, ये महीने का 22 तारीख को बुकिंग चल रहा है, सिर्फ 4 सीट खाली है, सिर्फ 4 सीट खाली है, ठीक है। चलो थैंक यू।